आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे आषाढ़ के कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है जो भक्त पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको बता दें, आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। ये व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए ये गुरु प्रदोष व्रत है। आपको बता दें, इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का भी योग है। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। आइए जानते हैं इसकी पूजा के शुभ मुहूर्त, तिथि और इससे संबंधित अन्य जानकारी। पहले जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा करने से साधक दुश्मन पर जीत हासिल करने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में गुरु दोष हो वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। महिलाएं प्रदोष व्रत अखंड सौभाग्य की कामना, परिवार की खुशहाली, सुयोग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। वहीं गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दोनों भगवान की आराधना से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए अब जानते हैं इस दिन की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जून गुरुवार को सुबह 8:31 से शुरू हो रही है। साथ ही इस तिथि का अंत 16 जून शुक्रवार को सुबह 8:38 पर होगा। वहीं ये प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 15 जून को रखा जाएगा। आइए आप जानते हैं प्रदोष व्रत का संध्या काल का पूजा का मुहूर्त। 15 जून को गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे का है। आप शिव पूजा शाम को 7:20 से लेकर के रात के 9:21 के बीच कर सकते हैं। उस दिन पूजा के समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। शाम 7:20 से रात के 8:36 तक है, इस समय शिव पूजा की जा सकती है। और आप जानते हैं दिन में इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। जिन लोगों को सुबह में शिव पूजा करनी है वे लोग सुबह 5:23 से सुबह 10:36 के बीच कभी भी पूजा कर सकते हैं। इसमें भी लाभ उन्नति मुहूर्त है। सुबह 7:07 से सुबह के 8:52 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर के सुबह के 10:36 तक है। और आप जानते हैं सुकर्मा योग के बारे में। आषाढ़ के पहले प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग बना है। सुकर्मा योग 15 जून की सुबह से लेकर के देर रात 2:03 तक है। ये पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ योग है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन ये काम अवश्य करें। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य हमेशा
बना रहेगा। और ये गुरु प्रदोष व्रत के मंत्र हैं। भगवान शिव की पूजा में इन मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम पार्वती पते नमः, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमः शिवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, ईं क्षं मम ओं अम ऊर्ध भू फट रौं ह्रीं ठः। ओम तत्पुरुषाय विग्रहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महं मेधा प्रवच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय। ओम आशुतोषाय नमः। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के प्रभावशाली मंत्र। और आपसे इस पोस्ट से अब आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।